तो क्या हाल है भाइयों, आज बात करने वाले हैं निब्बा निब्बी के बारे में। ऐसे निब्बा निब्बी जिनकी जिंदगी में दुख है, दर्द है, डिप्रेशन है, सारे चुतिया पे इन्हीं की जिंदगी में, बाकी सब तो बस हिला हिला के काट रहे हैं अपनी जिंदगी। बहन जो 14-15 साल के बच्चे रिलेशनशिप में आके अपने हाथ काट रहे हैं शॉर्पनर वाले ब्लेड से, और उसकी पिक्चर खींच के स्टोरी पे भी लगाते हैं सस्ती शायरियों के साथ। बहन जो सुबह उठ गए, ये बच्चे खाना नहीं खाते जब तक इनकी निब्बी खाना ना खा ले, वो खाना खा के जब तक फोटो प्रूफ ना भेजे तब तक ये खाना नहीं खाएंगे। इनकी टाइमिंग सेट होती है हर चीज की, ये खाना पीना सोना हगना धोना रंडी रोना सब एक ही टाइम पे करते हैं। नहीं, इनकी हिलाने की टाइमिंग भी सेम होती है कि भाई मैं हिलाने जा रहा हूँ, तुम भी अपने लिए गाजर वगैरह ढूंढो। अब इनको रोज 4-5 घंटे पता नहीं कौन से कश्मीर के मसले पे बात करनी होती है। नहीं, जब देखो ये मोबाइल पे लगे होते हैं। साले इतनी बातें किसी मुर्दे से करो, वो भी कब्र से निकल के तुम्हारी गुद्दी पे चमाट मारे के साले सुकून से मर देते, कितनी बातें करता है। अब एक दिन मैंने देखा ऐसी कोई बच्चा लगा हुआ अपने मोबाइल पे, उसको मैंने अपने पास बुलाया कि तरह तू छोटी लुल्ली। नहीं, ऐसा कौन सा बम बनाने का फॉर्मूला सीख रहा है तू जो इतनी बातें करता है। वो बच्चा उल्टा मेरे कंधे बात करके बोल लेगा भाई सच्चा प्यार है तुम नहीं समझोगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ऐसा करते हैं, एडल्ट्स के भी यही हाल है। साले बहुत खुश हो रहे थे ना कि ये बच्चों की मार रहा है, भूसड़ी वाले तुम्हारे भी यही हाल है। बच्चे तो चलो फिर भी फारिग होते हैं, उनको कोई काम नहीं होता, लेकिन जॉब करने वाले लड़के भी 9-10 घंटे अपनी जॉब पे मरवाने के बावजूद 2-3 घंटे आगे बच्ची से बात करते हैं, उसको न्यूट्स के लिए राजी करते हैं, न्यूट्स मंगवा के उसके बाद उसको देख के उसको हिला के उसके बाद सोते हैं। सलाम है भाई इनको, नहीं मतलब ठरक कुछ भी करवा सकती है। और कभी किसी ब्रेकअप वाले बच्चे की प्रोफाइल में चले जाए, उसके स्टेटस देख के लगता है कि कितना दुख है इस दुनिया में। हाँ, इनके स्टेटस वगैरह पढ़ के मैं खुद ठीक ठाक बंदा ऐसी डिप्रेशन में चला गया, और मजे की बात यह है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों डिप्रेशन में। फिर मैंने उसको मैच किया कि बेटा क्या हुआ, क्यों है तू इतना डिप्रेशन में, नहीं क्यों तूने अपने प्रोफाइल में सारे सस्ते शायरों को अपना बहनों ही बनाया हुआ है, नहीं क्या हुआ क्या, तेरी निब्बी का बिस्किट चाय में डूब गया, नहीं तेरे साथ मसला क्या है। फिर सामने सिर पिलाया कि भाई सच्चा प्यार है तुम नहीं समझोगे। और ये लोग बेंच 2 घंटे बात करते हैं और इनको इतना सच्चा प्यार हो जाता है कि अपने बच्चों के नाम तक सोच लेते हैं, बल्कि नाम क्या, बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, कौन से कॉलेज में जाएगा, फिर क्या जॉब करेगा, उसके बाद शादी किससे करेगा, उसके बाद मुठ मार के मर जाएगा, सब 2 घंटे में डिसाइड हो जाता है। तो निब्बा निब्बी के कुछ टिकटॉक वीडियोस दिखाता हूँ। अब जहर सी बात है, ऐसे चुतिया पे टिकटॉक पे ही मिलते हैं, ठराक मुजरा रंडी रोना क्रेन ये सब इधर ही मिलेगा। और फिर कुछ लोग आगे बोलते हैं कि नहीं टिकटॉक भी एक प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छे लोग भी होते हैं बुरे लोग भी होते हैं। हट बहन चुत। हेलो टिकटॉक फ्रेंड्स, ये हमको मार्केट लेके नहीं जा रहा, आप लोग बोलो ना हमको मार्केट लेके जाएगा ये। तो आज नहीं जाना है मार्केट, कल जाना है। ओके, अबे हालत देखो इसकी, इधर को मार्केट लेके जो जाएगा लेकिन शॉपिंग करवाने नहीं, तेरे को बेच के आएगा उधर और फिर उन पैसों की भिड़ी पिएगा आगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम पर किसी का हक ना रहे सिवाय मेरे। अबे साले खरीद ले उसको, कॉपीराइट करवा ले उसका, तेरे घर वाले खुद तुझे कचरे से उठा के लेके आए थे, तेरे बाप से ज्यादा गली का जमादार तेरे पे हक जमाता है और तुझे इसका हक चाहिए। साले हक नहीं हथौड़ा ले ले अपने अंदर। लोड उस जिप तो ऐसे बंद कर रहा है ऐसे पता नहीं दरख्त में छेद करके आई है, दरख्त के पीछे हाथ पकड़े सिर्फ मूत की धार मार सकते तो और कुछ नहीं। किसका बच्चा? क्या तू किसका बच्चा? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? हाँ। मेरा बच्चा, मेरा। ओके। हाँ, इसका बाप भी रोज सारे मोहल्ले में रोज यही सवाल पूछता है कि बहन जो किसका बच्चा ही है, और रोज 15-20 लोग तो ऐसे अपना हाथ उठाते कि मैं ना शायर था ना किसी शायर का भतीजा, ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा। हाँ भूसड़ी के शायर सिर्फ रात को तेरे घर पे आता था। शायर था ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ भी हूँ ना फटेले क्वांटम का नतीजा। ये देखो बहन जो मिर्गी के दौरे इनके खत्म नहीं हो रहे लेकिन आशिकी कर दी है इनको। बहन जो इस उम्र में ये हाल है इनके, बड़े हो गए तो ये पता नहीं दीवारों में छेद करना शुरू कर देंगे। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी और इस टाइप की और वीडियोस देखने की शॉर्ट टॉपिक्स पर तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।